गुड मॉर्निंग दोस्तों, मीना किचन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। देखिए दोस्तों, एंजल तो हमेशा मेरे साथ ही रहती है, जहाँ जहाँ मैं चलूँगी वहीं वहीं ये चलेगी। मैं दिखाती हूँ आपको अपने गार्डन का हाल दोस्तों। ये देखिए, इतना सब कुछ जुगाड़ करने के बाद भी पेड़ों की हालत दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, जहाँ भी तेज़ धूप पड़ती है पेड़ों पे और इस तरह से पत्तियाँ जलने लगती हैं। बहुत ही अच्छे प्लांट चल रहे थे मेरे, देखिए 3-4 बजे की धूप इस पर पड़ती है सामने की, उसी से प्लांट जल जाते हैं दोस्तों। और दिखाती हूँ, ये देखिए, ये कड़ी पत्ता, इस पर भी 4 बजे की जो धूप पड़ती है, 2 से 3-4 बजे की, उसी ने जला दिया इनको। और ये हर श्रृंगार का मैं लेके आई थी दोस्तों, अभी ग्रीनरी तो इसमें है लेकिन पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। ये भी धूप की वजह से ही ख़राब हो गया, पत्ते सारे झड़ गए। जब पत्ते जल गए थे तो मैंने सब निकाल दिए थे, लेकिन पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, कोई बात नहीं, दूसरा लेके आएंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बहुत धूप इतनी तेज़ है कि एकदम से झुलसा दे रही है। देखिए, बहुत ही मुश्किल हो रहा है पेड़ों को बचाना। ये देखिए दोस्तों, ये धूप की वजह से ही हो रहे हैं ये सब ना। देखिए, वैसे तो प्लांट हमारे काफ़ी हेल्दी हैं लेकिन धूप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये देखिए इस तरह, ये देखिए दोस्तों, ये मिर्ची का पेड़ था हमारा, काफ़ी अच्छी हेल्थ चीज़ की, और देखिए कैसा हो गया है ये धूप की वजह से। इस पर दोपहर की तेज़ धूप पड़ती है, देखिए पूरा प्लांट जला दिया है। देखिए दोस्तों, ये हमारी भिंडी तो अच्छी चल रही है, आने भी लगी है, इसमें 3-4 भिंडी तो रेडी भी हैं इसमें। ये देखिए, अभी मैं तोड़ूंगी नहीं, 2-3 दिन के बाद तोड़ूंगी और हो जाएंगी 2-4। पानी का मैं बहुत ख्याल रखती हूँ अपने गार्डन में दोस्तों, शाम के टाइम में ज़्यादा पानी दे देती हूँ क्योंकि पूरा दिन इनको धूप में ही रहना है। ये देखिए, प्लांट तो हमारे बहुत ही अच्छे हैं लेकिन धूप से बहुत बचा के रखती हूँ मैं, फिर भी 3-4 बजे की जो धूप पड़ती है उससे हो ही जाते हैं ख़राब। काफ़ी प्लांट हमारे ख़राब हो गए धूप की वजह से। ये देखिए, ये भी मिर्ची के पेड़ थे, ये भी जल गए। और दिखाती हूँ, ये हमारी कद्दू की बेल, ये जो भी हैं, खीरा है, ककड़ी है, क्या है पता नहीं, अच्छी चल रही है दोस्तों। और ये देखिए, इसमें भी मैं तैयारी कर रही हूँ, किचन वेस्ट, सूखे पत्ते सब इकट्ठा कर रही हूँ मैं इसमें, और फिर से बनाएंगे हम मिट्टी। ये देखिए, इसमें भी किचन वेस्ट है, अंडे के छिलके हैं, मिट्टी है, इसी तरह से मैं ग्रो बैग, देखिए ये छोटे छोटे प्लांट निकल आए हैं। इसमें मैंने काफ़ी सारे सीड डाल दिए थे क्योंकि बेल थोड़ी सी बड़ी होने के बाद चल नहीं पाती हैं कोस सी। देखिए, इसमें घिया है, छोटी लंबी वाली घिया है, गोल वाली घिया है, कद्दू है, करेला है, करेले की बेल छोटी छोटी होती हैं और फिर सूख जाती हैं। काफ़ी टाइम से मैं कोशिश कर रही हूँ करेला, लेकिन हो नहीं पा रहा है। यही विस्कस, इसमें भी पानी मैं कमी डालती हूँ। ये देखिए, मॉर्निंग मैं थोड़ा सा डालती हूँ और शाम के टाइम पानी ज़्यादा डाल देती हूँ। ये देखिए, ये भी इसका हमारा अच्छा चल रहा है दोस्तों। इस समय मैं केवल और केवल गाय के गोबर की खाद ही डाल रही हूँ सभी प्लांट्स में, डाल दिए और कुछ भी नहीं डाल रही मैं इसमें। और काउडन कंपोस्ट भी बना के रखती हूँ दोस्तों। ये देखिए, 3-4 दिन से भीगी हुई है, ये कल शाम को ही मैंने डाला है सारे प्लांट्स में, इसको मैं अभी रखे रहने दूंगी। इसमें भी कई तरह के सीड मैंने डाल दिए थे दोस्तों, 56 कद्दू,
भिंडी, भिंडी के छोटे छोटे निकलने भी लगे हैं, देखिए। ये शिमला मिर्च का एक ही प्लांट बचा पाई थी दोस्तों मैं, धूप तेज की वजह से सारे प्लांट जल गए थे दोस्तों। ये अजवाइन और ये देखिए दोस्तों, पेड़ तो क्या बचेंगे, ये देखिए कैसे पिघल गया है। ये दोपहर के टाइम में ये यहीं पे चारपाई पे ही पड़ा हुआ था, और ये देखिए धूप की वजह से हुआ है ये हाल हो गया है। इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ी जितनी अब की बार पड़ गई दोस्तों। और ये पुदीना, इसको मैं अभी निकाल लूँगी, इसमें से काफ़ी बार मैं पुदीना निकाल चुकी हूँ दोस्तों, और जितनी मुझे ज़रूरत थी उसी हिसाब से मैंने बोया था। ये देखिए इसको मैं अभी निकाल लूँगी दोस्तों, कई बार इसमें से मैं निकाल चुकी हूँ। ये देखिए इसको निकाल के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, पुदीना हमारा टूट गया है, और पुदीने के लिए मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे कि आपने पुदीना कैसे लगाया है, अभी दिखाऊंगी दोस्तों। और ये देखिए फाइकस, ये भी तेज़ धूप की वजह से ऐसा हो गया है दोस्तों। इसका मैं गमला चेंज कर दूंगी, बड़े कट्टे में लगा दूंगी इसको मैं। ये देखिए दोस्तों, पुदीना मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ही लगाया था दोस्तों, जो मिट्टी हमारे पास बनी हुई है, रेत मिली हुई मिट्टी थी, और जो गाय के गोबर की खाद है उसी, वही मिट्टी मिला के उसी में मैंने मिला के गाय के गोबर की खाद, और इसी तरह से मैंने ये जो नोड एरिया है इसी को मैंने मिट्टी में ऐसे गाड़ दिया था। ये देखिए मैं गाड़ के बताती हूँ, इसी में दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने डंडियाँ गाड़ दी थी, जो मिट्टी हमारे पास है मैंने उसी में कर दिया था। ये देखिए दोस्तों, पत्ते मैंने नीचे नीचे के सारे निकाल लिए, और ये देखिए इसी तरह से मैं इसको गाड़ दूंगी, कोई अलग से मिट्टी नहीं बनाई थी दोस्तों मैंने, जो मिट्टी मेरे पास थी उसी में मैंने गाड़ दिया था, और अच्छे से हो गया था। देखिए जो अभी मैंने पुदीना काटा है गमले में से, उसी को मैं गाड़ रही हूँ दोस्तों। ये पत्तियाँ इसकी मैं सारी निकाल लूँगी, और इसी तरह से मैं सारी डंडियाँ गाड़ दूँगी दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, पुदीने की सारी डंडियाँ मैंने इसमें गाड़ दी हैं, कोई अलग से मिट्टी मैंने नहीं बनाई थी दोस्तों, जो सेम मिट्टी मेरी सारे प्लांट की चल रही है उसी में मैंने इसी तरह से गाड़ दिया था दोस्तों। देखिए, और इसके पत्ते पत्ते मैं सारे निकाल लूँगी, देखते हैं होता कि नहीं होता। वो वाला तो मैंने जनवरी में डाला था, मिट्टी में गाड़ी थी डंडियाँ, और इतनी ठंड में भी हो गया था पुदीना मेरे पास। देखिए देखती हैं ये अभी होता है कि नहीं होता है, नमी हमेशा बनी रहती है मेरी मिट्टी में, मिट्टी सूखती नहीं है दोस्तों कभी भी। देखिए सारे प्लांट मेरे अच्छे चल रहे हैं, केवल धूप की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, फल मिले ना मिले लेकिन प्लांट बच जाने चाहिए हमारे। ये देखिए बैंगन में फ्लावरी हो रही है दोस्तों, केवल गर्मी से हमारे प्लांट ये बच जाएं धूप से, फल मिले ना मिले कोई बात नहीं, अभी केवल हमें इन्हें बचाना है। बहुत मुश्किल हो रहा है पेड़ों को बचाना दोस्तों। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें दोस्तों। ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।